वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारी। गुर बाणी कहे सेवक जन मान, प्रतख गुरु निस्तारे। अज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा, जो सारी सिख संगत नूं और सारी कौमियत नूं मैं लख लख वधाई दिंदा। ते बस इहो सतगुरां दा उपदेश है, सांझी वालता दा उपदेश सतगुरु जी दिंदे ने चौवन्ना को। सो सारिया संगतों को बेनती है कि वध तो वध गुरु की बाणी का लाहा लो, सतगुरों के चरणों नाल जुड़ के बाणी पढ़ के अपना जीवन सफला करो। इतनी बेनतियां प्रवान करनी है सारे समुचे संसार नू। मैं अपने वालों पातशाह जी के पहले प्रकाश उत्सव दियां लख लख वधाइयां दिंदा हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। समूह संगतों नू पहले प्रकाश गुरु दियां मैं अपने वालों अपने जत्थे जत्थेबंदी वालों लख लख वधाइयां दिंदा। तो नाल ही सारे मैं लोगों को अपील भी करांगा, सच्चे पातशाह कृपा करो तुहाडे सब ते, तुसीं गुरबाणी नाल जुड़ो। गुरु ग्रंथ साहब की जो गुरु अर्जन देव जी ने संपादना की थी, तो जे ये का टूबी ला के देखो ये की कुछ पिया, हीरे जवाहरात पे हैं ये अंदर, हर धर्म का समेल है और इसकी सिक्ख्या लैके दुनिया का पार उतारा कर सकती है। अज साहब श्री ग्रंथ साहब जी का प्रकाश जोड़ा है वो सारी दुनिया के घर मनाया जाता है, देखा जाता है, पढ़िया जाता है, सुनया जाता है। और जोड़ा भी बंदा इस जुड़ेगा वो अपने नतमस्तक होएगा, गुरु साहब की सिक्ख्या पता चलेगा, वो अपनी जिंदगी सफल बना सकता। मैं आप सारी सगों को एक बार फिर बधाई दिना, तो उम्मीद करता कि आप सब गुरबाणी में जुड़ो, अपने आप को सुधारीए, अपनी आत्मा को पवित्र करिए, लोगों के भले वास्ते जदोदार करते हुए सारे पंजाब का ही भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माना, प्रतख गुरु निस्तारे। ऐसे दीन दयाल पातशाह पोथी परमेश्वर का थान धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी, जिन्हां दी संपादना श्री रामसर साहब पावन अस्थान ते करके धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अज दे दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे पहला प्रकाश किया, बाबा बुढ़ा जी ने पहले ग्रंथ नियत किया गया। और सतगुरु पातशाह जी ने अज का दिन ये चोन करके जो तो उत्थे प्रकाश किए, बाबा बुढ़ा जी ने बेन सतगुरु पातशाह जी ने हुक्म किया, बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुना सब पंथ, अदब साध ग्रंथ जब खोला, ले आवाज बुढ़ा तब बोला। तब बाबा बुढ़ा जी ने प्रकाश करके हुक्मनामा लिया, सुही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम, ये पावन मुखवाक आया। राजगुरु साहब जी ने दुखनवर साहब विखे भी अज मृत वेले यही हुक्मनामा बख्शिश किया। सो समुचिया सिख संगतां, धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जो सभे सांझी वालता का उपदेश बख्शते ने, जिन्हां नूं कोई भी धर्म का किसी मजहब का किसी देश का कोई भी मनुख पढ़ के जीवन जाच प्राप्त कर सकता है कि सचारा होई है कि कूड़ा तुटा पाल का उपदेश गुरबाणी बख्शती है। सो सतगुरु पातशाह जी के पहले पावन प्रकाश गुरपुरब दीआं खुशियां अंदर पावन अस्थान विखे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ किए गए सन, हुण कीर्तन चल रहे ने, समाप्ति होगी, फिर रात को इस दीवान हाल के दीवान सजनगे 10:30 बजे तक, जिस विच हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब तो इस पावन स्थान के रागी सिंह हाजरियां भरनगे, संगतां नूं गुरु शब्द नाल जोड़नगे। समुचिया संगतां नूं धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पहले पावन प्रकाश गुरपुरब की लख लख वधाई होवे। नाल ही बेनती, आओ इन्हां समागमां विच हाजरियां भर के सतगुरु पातशाह जी दे सिसां दे पात्र बनीए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश जरा हर साल की तरह ही श्री दरबार साहब श्री मुक्तसर वालों संगतां दे संयोग नाल बहुत ही धूमधाम ते श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। इस दे संबंध विच सवेरे अमृत वेले 3:30 बजे श्री दरबार साहब को एक महान नगर कीर्तन प्रारंभ किया सी, जो कि परिक्रमा के विचों की होंदा होया श्री दरबार साहब विखे समाप्त होया सी। उपरंत श्री दरबार साहब विखे महाराज जी का प्रकाश किया गया, तकरीबन 9:30 बजे लगभग गुरद्वारा शहीद गंज साहब विखे भोग पाए गए सन। उपरंत अलाई बाणी का कीर्तन किया गया, 10 बजे तो लैके शाम तीक श्री दरबार साहब विखे ढाडी रागी अते कुविशर दीवान सजाउणगे, जो कि संगतां नूं गुर इतिहास नाल जोड़नगे। शाम नूं रहिरा साहब दे पाठ तो बाद श्री दरबार साहब श्री अमृतसर तो हजूरी रागी भाई निर्मल सिंह जी खालसा पहुंच रहे ने। साध संगत नूं बेनती है कि रहिरा दे पाठ तो बाद हुम भा के श्री दरबार साहब विखे पहुंचो अते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। साध संगत नूं मेरी अपील है, बेनती है कि जिन्हें हाले तक खंडे बाटे का अमृत पान नहीं किया, खंडे बाटे का अमृत पान करके
ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੀ ਜੁੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਮਤ 1661 ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸੋਧਰੀ ਏਕਮ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮੌਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਮਤ 16 ਸਾਇ ਇੱਕ 60 ਹੈ ਭਾਦਵ ਕੀ ਸੁਧ ਏਕਮ ਜਾਣੋ। ਸੰਮਤ 1661 ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਧੀ ਏਕਮ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨ ਮਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਠਾਨੋ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਬੰਨੋ ਆਦਿਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਸਭ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਸ ਬਿਰਾਜਤ ਚੰਦ ਮਨੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸਨ। ਸੀਖ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੋ ਤਬ ਦੇਵਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੇ ਭਰਿਓ ਬਚ ਜਿਉਂ ਫਰਮਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਕਤੀਦਾਇਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਸੁਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਹਿ ਦਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਥੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ। ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹਿ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਜੇਗਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਏਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਹੇ ਭਲੇ ਤਬ ਸੋਧਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਕੀ ਲੱਗ ਕੀ ਚੁਕਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ
अगों जड़ा है वह उतारे करने है, लिखना है, फिर लिख के उदी सुधाई करनी है। जो लिख लेह भले तब सोधा है, अखर की लग की चुकसाई, अखरां दी लगा मात्रा दी किते कोई उकाई जड़ी है वह ना रहे, इस गल दा जड़ा है वह ध्यान रखना। फिर कहिंदे पाठ समस्त करें बुद्ध सो, पिख पूर्व के सम लेह बनाई। फिर कहिंदे इहदा पाठ करना है, तो इस पावन बीड़ तो जड़े उतारे करने हैं वो इस पी पावन बीड़ वर्गे ही होने चाहिए ने। तो एक गल जी उन्होंने कही, कहिंदे आप ते घाट ना बाद कर, कहिंदे अपने आप इस बाणी दे नाल कोई बाद घाट नहीं करनी, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो महाराज जे कोई करे तो फिर कहिंदे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, कहिंदे जे करे होए मूर्ख सो पछताई, कहिंदे जिहड़ा बाद घाट आपदी मर्जी ना इन्हां च करूगा बाणी च वह मूर्ख होएगा, तो उन्हों अंतले समय जिहड़ा है वह पछताउणा पएगा, आखरों पछताएगा। ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के जिहड़े ने वह बचन ने जिहड़े भाई साहब कवि संतोख सिंह ने लिखे ने, जदों धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन बाणी की जिहड़ी बीड़ है वह भाई गुरदास जी पासों श्री रामसर साहब के स्थान के उत्ते लिखवाई। तो फिर अज के दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब इस पावन पवित्र स्वरूप का प्रकाश जिहड़ा वो कीता। तो फिर बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा, बाबा जी तुसी हुक्म जिहड़ा है इस पावन बाणी के विचों सारी संगत को सुनाओ। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की इस बचन को सुन के बाबा बुढ़ा जी धन गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया ग्रंथी नीयत होए बैठे, तो उन्होंने फिर बड़े प्यार दे नाल बड़े विराग दे विच भिज के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्म जिहड़ा सी पहली बार अज दे दिन सिख संगत नूं सुनाया। संगत सुन के गद गद होई। इस महान प्रकाश पुरब दियां समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 बधाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।